हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अगस्त ऑफर 1940। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने गुस्से में आकर रिज़ाइन कर दिया था और उनका गुस्सा इस बात पर था कि लॉर्ड लिथिंगलो ने 3 सितंबर 1939 में बिना किसी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से पूछे इंडिया को वर्ल्ड वार टू में धकेल दिया था। मार्च 1940 में कांग्रेस का एक सेशन होता है रामगढ़ बिहार में। यहाँ पर एक टॉपिक उठा कि यार देखो, मिनिस्ट्रीज से तो हमने रिज़ाइन कर दिया है, पर किसी ने सोचा है कि आगे क्या करना है। इस टॉपिक पर काफ़ी डिस्कशंस हुए और उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक डिमांड रखते हैं कि कांग्रेस अभी भी आपको वर्ल्ड वार टू में सपोर्ट कर सकती है अगर आप सेंटर में हमारी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप करा दो। तो क्योंकि 1937 के बाद तो सिर्फ प्रोविंसेस में गवर्नमेंट सेटअप कराई थी, सेंटर में तो नहीं कराई थी। वाइस रॉय लॉर्ड लिथिंगो ने इसके रिस्पांस में एक प्रपोजल दिया। इस प्रपोजल को ही अगस्त ऑफर कहा जाता है। ये एक वाइट पेपर की फॉर्म में इशू किया गया था। इस अगस्त ऑफर के पीछे लॉर्ड लिथिंगो की इंटेंशन ये थी कि अगर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वार टू में इंडिया का होल हार्टेड सपोर्ट मिल सकता है। देखो, मुस्लिम लीग और कई और प्रिंसली स्टेट जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वार टू में पहले से ही सपोर्ट कर रहे थे। अब अगर कांग्रेस भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर देती है तो ज़्यादा लोग आर्मी ज्वाइन करेंगे और इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वार टू को जीतने में हेल्प मिलेगी। बट कांग्रेस, मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स ने अगस्त ऑफर को एक्सेप्ट किया या नहीं किया, ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि अगस्त ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या थी। अगस्त ऑफर की पहली कंडीशन थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एस्टेब्लिश करने के बारे में। कांग्रेस काफी समय से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश करने की डिमांड कर रही थी, जिसे अब इस ऑफर में मान लिया गया था। अगस्त ऑफर में ये प्रॉमिस किया गया था कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश की जाएगी जिसका काम होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। अगस्त ऑफर के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार इस बात को माना था कि हाँ, इंडियंस जो हैं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से फ्रेम कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रॉमिस किया गया था कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ इंडियंस होंगे और गोल होगा डोमिनियन स्टेटस। अगस्त ऑफर का दूसरा मेन पॉइंट था वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लेकर। यहाँ पर अगस्त ऑफर में कहा गया कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा ताकि अब फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ब्रिटिशर्स से ज़्यादा इंडियंस की संख्या होगी। अगस्त ऑफर का तीसरा पॉइंट था एक वार एडवाइजरी काउंसिल एस्टेब्लिश करने को लेकर। अगस्त ऑफर में ये भी कहा गया कि एक वार एडवाइजरी काउंसिल एस्टेब्लिश की जाएगी जिसमें ब्रिटिशर्स के साथ साथ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी शामिल किया जाएगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, यानी वीटो पावर टू माइनॉरिटीज़। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अब ये साफ कर दिया गया कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी तब ऐसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जिस पर माइनॉरिटी कम्युनिटी का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, यानी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के व्यूज़ को भी फुल वेट दिया जाएगा। इसका मतलब माइनॉरिटी लीडर्स को वीटो पावर मिल गई थी। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज ने अगस्त ऑफर पर कैसे रिएक्ट किया। मुस्लिम लीग को अगस्त ऑफर के ज्यादातर क्लॉजेस अच्छे लग रहे थे क्योंकि इसमें माइनॉरिटीज को वीटो पावर दी गई थी, यानी हर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स पर उनकी मंजूरी जरूरी थी। लेकिन मुस्लिम लीग को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कंपोजिशन को लेकर कुछ शिकायतें भी थी, लेकिन ओवरऑल इनको अगस्त ऑफर अच्छा लगा था। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को आउटराइट अपोज किया। उस समय के कांग्रेस प्रेसिडेंट अबुल कलाम आज़ाद ने तो लॉर्ड लिनलिथगो के साथ ये ऑफर डिस्कस करने से भी मना कर दिया। इसका मेन रीज़न ये था कि कांग्रेस ने 1929 लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया था जिसके हिसाब से कांग्रेस ने अपना गोल जो है वो डोमिनियन स्टेटस से चेंज करके पूर्ण स्वराज कर लिया था। और क्योंकि अगस्त ऑफर में डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया जा रहा था तो ये कांग्रेस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की डिमांड उनकी 1929 तक थी, उसके बाद से अब वो पूर्ण स्वराज मांग रहे थे। लाहौर सेशन 1929 हमने सिविल डिसोबीडियंस वाली वीडियो में डिटेल में कवर किया था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो।
अब अगस्त ऑफर से रिलेटेड एक ज़रूरी बात जो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आपने देखा होगा कि फेस्टिवल सीजन्स में शॉप्स के सामने बड़े बड़े बोर्ड्स लगे रहते हैं जिन पर लिखा होता है स्पेशल ऑफ़र, 50% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट्स एटसेट्रा। ऐसे में आप क्या करते हो, आप शॉप के अंदर जाते हो, कोई आइटम पसंद करते हो और जब शॉपकीपर से प्राइस पूछते हो तो शॉपकीपर आपको 5% या 10% का डिस्काउंट दे रहा होता है। और जब आप पूछते हो कि यार बाहर तो आपने 50% का बोर्ड लगा रखा है, तो वो आपको दिखाता है 50% डिस्काउंट के ऊपर लगा हुआ एक छोटा सा स्टार मार्क। और फिर आपकी नज़र जाती है नीचे लिखी एक कंडीशन पर जहाँ पर लिखा होता है कि 50% डिस्काउंट बस कुछ ही आइटम्स पर है। अगस्त ऑफर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अगस्त ऑफर हमें मिला था फेस्टिवल सीज़न तो नहीं लेकिन वार सीज़न में, और यहाँ पर भी एक स्टार मार्क लगा हुआ था। यहाँ पर कंडीशन ये थी कि अगस्त ऑफर में की गई प्रोमिसज वार ख़त्म होने के बाद पूरी की जाएंगी, और वो भी तब जब इंडिया की सभी कम्युनिटीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वार टू में पूरी तरह से सपोर्ट करें। इस वीडियो के नोट्स bookstava.com वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Bookstava चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए Bookstava चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Bookstava।